इस मेज में इस वक्त हम हैं और जो कुल्लू जिला के जो बाशिंदे हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। इनकी कुछ एक शिकायत है, ये सारे जो हैं प्रभावित हैं, जो आपदा आई है, बादल यहाँ पर फटा था, उस घटना के बाद किस तरह की तबाही हुई, और ये लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यूज 18 का, और मैं यहाँ पर आपको अवगत कराऊंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट शिमला हमारे यहाँ पे पाली साइड साफ में पड़ता है, यहाँ के सभी डीसी से लेकर सभी यहाँ पे आ चुके एमएलए, हमारे एमएलए आज आए थे, एक सिर्फ हमारे को जो फौरी राहत या कुछ भी कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ ना हमें। अभी देखो सभी देख रहे हैं आपकी, सभी यहाँ पर आशा लगाए बैठे हैं कि हमारे को कोई क्या नाम करे, कुछ कोई ये कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हो जाए कितना नुकसान है उधर शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जो समेज पड़ता है पारला समेज उसको कहते हैं, वहां तो ज्यादा नुकसान है, यहां कितना नुकसान है? बिल्कुल जैसे आप बता रहे सर, देखने के लिए तो वहां पे ज्यादा है, और ज्यादातर अगर देखे जाए तो प्रभावित तो यहां भी है, एक घर यहां पे है, एक साथ ही नीचे जो कि बिल्कुल ही खत्म ही है। हाँ। ये बिल्कुल जहां खड़े हैं साथ में स्कूल, इतनी बड़ी स्कूल प्रॉपर्टी सरकारी हमारी है, कोई कोई क्या नाम ही नहीं यहां पर एक्शन नहीं कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही है। एमएलए आए थे? एमएलए आए सर, उन्होंने कोई वो क्या नाम ही नहीं रखा, यहां पर नमस्कार वगैरह किया, क्या हमने क्या उनका हाथ जोड़ कर क्या वही देखना था, हमने उनका शक्ल नहीं देखी हमने क्या? हम कहना चाहते हैं जी, जैसे कोई देखो इनके मुंह में यूं तक नहीं हिलती है, इनको पता नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बाल बच्चे के साथ बाहर बैठे हैं, और ना कोई खाने का प्रॉब्लम है, ना कोई ये करने का है, खाने की भी दिक्कत है आपकी? जैसे भी लोगों ने शिमला वालों ने लंगर लगाया है, ना कुल्लू वाले का कोई पता ही नहीं है इनका, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं बचा है, घर है, जो घर बचा है जिसको नुकसान हुआ है, तो रहने की व्यवस्था कहाँ है? फिर कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तक आपको पता है रोड में ही है, यहाँ लेंटर में खड़े हैं सारे जितने भी है प्रभावित लोग हैं, यहाँ लेंटर में खड़े हैं सारे प्रभावित है। आपका क्या नाम है? पूजा सर। तो हम पिछले कल 12:30 बजे से इतना परेशान है सर, अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया, विधायक जी आए थे वो हमसे मिले, उन्होंने कहा कि जितना हमसे होता है हम करेंगे, बट जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे लोगों को, किसी को भी ना रहने के लिए कुछ मिला है सर। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सर वो बहुत फॉरवर्ड है, तो वहां पे उनको कंबले भी दी गई है, रहने सोने के लिए भी गद्दे प्रोवाइड किए गए, और साथ में राशन पानी हमें अभी तक सर यानी कि पानी की बॉटल तक नहीं दी गई है, जिस तरीके से आप हमारी हालत देख रहे हो, हम कल रात से इतना परेशान है, इतना परेशान। मैं यही प्रशासन को यही बोलना चाहती हूँ कि सर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट, इंसानियत तो हर जगह है ना सर, इतना भी क्या कि आप लोग हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना तो रोड का नुकसान भी हम एसडीएम को यहाँ होना चाहिए था, चाहिए था सर, सबके साथ खड़े होना चाहिए था। जब बात वोटिंग की आती है तो सब तब तो सर ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं लोगों को, अब जब आम आदमी की बात आ रही तो कोई स्टैंड नहीं ले रहा है सर इस टाइम पे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एसडीएम तो ज्यादा दूर नहीं रहते मेरे ख्याल से, निरमंड में है, निरमंड में ही है, निरमंड से कितना ही है सर, ज्यादा ज्यादा 3-4 घंटे का रास्ता होगा, मानते हैं और जगह भी इस तरह की आपदा आई है, पर जिस हिसाब से देखा जाए तो हमारी समेज में सर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हर जगह ये चीजें हुई है, बट एटलीस्ट कम से कम कोई तो पूछे तो तकलीफ सर, तकलीफ तो पूछे कि हम यहाँ पे किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमारे को क्या क्या, बच्चे सर कल रात से सोए नहीं है, बच्चे परेशान है, डरे हुए, सहमे हुए हैं, तो अब हम क्या करें, किसे बोले, सरकार को नहीं बोले तो किसे बोले। 3-4 घर है यहाँ पे जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं, जिसमें से मेरा घर भी है, टोटल लॉस हो चुका है, रहने के लिए जगह नहीं है, ना राशन बचा है, ना सामान बचा है, कुछ भी नहीं है, और ही मदद जो दी जाती है वो भी नहीं मिली अभी तक, कुछ भी नहीं रिजाई, कुछ भी नहीं सर, पानी तक के लिए नहीं पूछा गया सर। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो एक कैंपर बुक होके आई है फुल सर, उसमें पूरा सामान है, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, बट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बहुत बुरी हालत है। कुल्लू जिला प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर नजर नहीं आया, तो लोग आप देखिए किस तरह से प्रभावित हैं, ये कह रहे हैं कि अब इनके पास अधिकतर के पास रहने की जगह बची नहीं है, कपड़े तक नहीं है, और यहाँ तक खाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है, रात हो गई है, अभी मंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन फिलहाल स्थिति आपके सामने है, और जो बात यहाँ से जो स्थानीय लोग कह रहे हैं उससे जो तकलीफ से ये गुजर रहे हैं वो तकलीफ और बढ़ती हुई नजर आ रही है। समीर से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ
रणबीर सिंह, न्यूज 18, हिमाचल।